नेटो की बैठक से पहले फ्रांस की रूस को बड़ी धमकी, 10 मिनट बचे हैं सिर्फ अब नेटो की बैठक स्टार्ट होने में। फ्रांस ने कहा सावधान रहें, पुतिन नेटो के पास भी है एटम बम। पुतिन ने कहा था एटम बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा रूस। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, क्या आपको लगता है अब इस सिनेरियो में अगर हम पूरी दुनिया के मिलिट्री बैलेंस को समझना चाहे, एक तरफ नेटो के 13 लाख, दूसरी तरफ रशिया के 9 लाख, लेकिन क्या सिर्फ ये 13 और 9 हैं, या फिर इन दोनों के आसपास मिलिट्रीज और जुड़ सकती हैं अगर कहीं तनातनी बढ़ी, अगर युद्ध की स्थिति बनी? देखिए, मैंने कुछ समय पहले ये बोला था कि धमकियां तो मिलेंगी रूस को। अब ये फ्रांस ने अगर न्यूक्लियर धमकी दी है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। नेटो इस समय उनकी ये यूनिटी नहीं है कि सैंक्शंस भी किस प्रकार के और कहां के हद तक जाना चाहिए। जैसे वो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, उसमें मेरी समझ के मुताबिक जर्मनी और दो और देश उसको नहीं लागू कराना चाहते। तो ये मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। अभी जैसे सिचुएशन बदलेगी, सबसे पहले इन्होंने ये डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन को कब्जा जब कर लेता है रूस, जो कि चंद एक दिनों की बात लग रही है, तो अगला एक्शन नेटो क्या करेगा? उनके पास कोई वॉर प्लान नहीं है जी। नेटो के पास कोई वॉर प्लान नहीं है। नेटो एक अभी बेशक 30 देशों का एक अलायंस है, पर बिल्कुल उनका एक जो होता है ना टीथ नहीं फंक्शन हो रहा उनका। उनकी जो लीडरशिप अमेरिका के हाथ में है, वो एक टूथलेस लीडरशिप है इस समय। वो बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है सर, उसके लिए बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा करता है, क्योंकि चाइना को रशिया से ज्यादा उम्मीदें दिखनी शुरू हो गई है इस वक्त। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप इस सिनेरियो को कैसे देखेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ रशिया वर्सेस नेटो है, या फिर आगे ये एक्सपेंड होगी? क्या ये लड़ाई यहां भी आपको देखने को मिलेगी? चीन को मौका मिलेगा कि वो ताइवान की तरफ जाए? मैं बार बार चीन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 48 घंटे से चीन बहुत ज्यादा उत्साहित, अति उत्साहित है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो हेनरी किसिंजर, प्रोफेसर मीर शाइमर, स्टीफन पी कोहेन, जो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं अमेरिका के, वो अमेरिका को कह रहे हैं आप पहचानिए आपका असली और सबसे बड़ा दुश्मन कौन, चीन या रूस? क्या कौन ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है? रूस की इकोनॉमिक ताकत इतनी ज़्यादा नहीं, चीन की बहुत ताकत है इकोनॉमिक, और वो पीयर ग्रुप कॉम्पिटिटर है, और अब वो मिलिट्री ताकत बढ़ा के आपकी तरफ चढ़ रहा है। आपको फैसला करना पड़ेगा कौन मेन हमारा दुश्मन है। हम दोनों से इकट्ठा नहीं लड़ सकते। अगर आप अफगानिस्तान में नहीं लड़ सके, तो क्या चीन और पाकिस्तान दोनों से इकट्ठा लड़ेंगे? हेनरी किसिंजर कह रहे थे कि एक से दिता करो, एक से युद्ध करो, एक पे फोकस करो। दोनों पे फोकस करना बेवकूफ़ी है। आप नेटो में भी लड़ाई छेड़ना चाहेंगे, आप जो है ताइवान में भी लड़ाई छेड़ना चाहेंगे, कहां कहां लड़ेंगे? बख्शी सर, आपकी बात दोहराते हुए अपने दर्शकों के लिए देखिए, जीडी बख्शी सर ये कह रहे हैं कि दोनों के साथ पंगा लेकर अमेरिका अपना खुद की ताकत को डाइल्यूट करने में लगा हुआ। ये अहम खबर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।